चौधरी, सचिव ग्राम पंचायत सिर्रा। सिर्रा की कुल आबादी 2305 है, जिसमें महिला 1110, पुरुष 1195 है। खंडवा जिले से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है और विकासखंड से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है। ग्राम सिर्रा में कुल परिवार 491 है, जिसमें 275 APL, 179 BPL और 37 अंत्योदय है। ग्राम सिर्रा में धार्मिक स्थल बावड़ी है। धार्मिक में हनुमान मंदिर है। ऐतिहासिक धरोहर में बावड़ी है। ग्राम सिर्रा में आंगनवाड़ी 2 है, जो कि संचालित हो रही है। ग्राम सिर्रा में प्राथमिक शाला 3 है, माध्यमिक शाला 1 है, उप स्वास्थ्य केंद्र 1 है, सोसाइटी 1 है, बचत बैंक 1 है। इंद्रलाल ब्राह्मणे है, मैं सिर्रा पंचायत में रोजगार सहायक के पद पर हूँ। मेरे द्वारा टाइम टाइम पर मजदूरों को मजदूरी मतलब दी जाती है और उनको टाइम टाइम पे 15 दिन के अवधि में मजदूरी का भुगतान कराया जाता है। वह उनके आवेदन लेता हूँ मैं, वह मास्टर रोल भी तैयार करता हूँ, जॉब कार्ड तैयार करता हूँ और जितने भी रोजगार गारंटी से संबंधित कार्य है सभी की जानकारी मेरे द्वारा बनाई जाती है। मैं राजकुमारी दीक्षित ग्राम सिर्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हूँ और मेरी सहायिका का नाम सुनीता रामदीन है और हमारी आंगनवाड़ी की दिनचर्या सुबह 7:45 से चालू होती है। मेरी सहायिका 7:45 बजे आके आंगनवाड़ी की साफ सफाई करके फिर बच्चे बुलाने जाती है। हम लोग 8:15 बजे तक आंगनवाड़ी में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों को प्रार्थना करवाते हैं हम। प्रार्थना के बाद हमारे बच्चों को जो भी है जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा देना, वो प्रार्थना के बाद अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, साफ सफाई के बारे में बताते हैं। फिर 9:30 के करीब हमारा नाश्ता जाता है। नाश्ता में मीनू अनुसार हमें नाश्ता मिलता है, जैसे मीठी दलिया हुई, नमकीन दलिया, खिचड़ी। और हम बच्चों को नाश्ता देने के बाद उसके 10:30 तक हमारे बच्चों का नाश्ता हो जाता है। उसके बाद फिर हम बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देते हैं और अनारम भी जैसे कि गिनती के अनारम भी पढ़ाते हैं उनको। अनारम भी ऐसे पढ़ाते हैं कि अनार का कच्चा दाना, आम को चूस कर खाना, मतलब बच्चों का जो मनोरंजन की तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं। और उसके बाद उनको फिर थोड़ा हम खेल खिलाते हैं, जैसे कि छोटी इंद्रियां होती है जैसे यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। और फिर हमारा खाना आ जाता है 12 बजे के करीब, तो हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। खाना लाल है, सिर्रम से पेंशन मिलती है। सौंतरी बाई में सिर्रा में रहती हूँ, पेंशन मिलती है। मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं सिर्राम रहता हूँ, मेरा खोली मिली है अपना घर पंचायत से। धन्यवाद। मैं बनाई भाई हूँ, मेरे को पंचायत तरफ से खोली मिली। राजन पिता विश्राम, मेरे मुझे कपिल धारा का कुआँ मिला है और छेगांव माखद जनपद पंचायत ग्राम पंचायत सिर्राम को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम श्रीमती कंचन ब्राह्मण है, मैं ग्राम सिर्राम में आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्य करती हूँ। जननी एक्सप्रेस के लिए गाड़ी आती है जिसमें लेडीज़ों को इमरजेंसी केस के लिए खंडवा ले जाते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यहीं सेंटर पर की जाती है। और इसके अलावा गांव में कोई इमरजेंसी केस है जैसे कोई उल्टी दस्त हो जाए या और कोई बीमारी के लिए कोई पेशेंट है तो उसके लिए भी जननी एक्सप्रेस के लिए गाड़ी आ सकती है। मैं सिर्राम रहता हूँ, सिर्राम के पेंशन मिलती है।